हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाने वाली कांगड़ा टी के बारे में। दोस्तों, कांगड़ा टी जो है एक बहुत ही उत्तम क्वालिटी के चाय के बागान जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पाए जाते हैं। इनकी गुणवत्ता को एक्नॉलेज करते हुए जल्द ही यूरोपियन जीआई टैग जो है वो कांगड़ा टी को दिया जा सकता है। ये न्यूज जो है वो हाल ही में देखने को मिली है। तो कांगड़ा टी को यूरोपियन जीआई टैग जो है वो मिलेगा। दोस्तों, आपने सुना होगा जीआई टैग के बारे में। भारत के अंदर जीआई टैग जो है वो दिया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है, जिसकी मदद से किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन से किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है वो लिंक करके उसकी एनहांस्ड क्वालिटी जो है वो रिप्रेजेंट करता है। यानी कि किस पर्टिकुलर लोकेशन से कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है वो बताता है, उसकी गुणवत्ता, उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो प्रमाणित करता है। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन द्वारा भी जीआई टैग दिया जाता है। तो यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग जो है वो कांगड़ा टी को मिलने वाला है। दोस्तों, विस्तार से इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर किसी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सिविल सर्विसेज हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, इन सभी एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड SHUBH33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मैसिव डिस्काउंट्स आप स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो दोस्तों, अपने विशिष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध कांगड़ा की चाय जो है जल्द ही यूरोपियन कमीशन या यूरोपियन यूनियन द्वारा जीआई टैग जो है वो इस कांगड़ा टी को मिलने वाला है। इससे क्या होगा दोस्तों, जिस तरीके से जब भारत में किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो उस जीआई टैग के मिलने के साथ ही देश भर में एक मार्केट जो है वो डेवलप हो जाती है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति देखता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है, यानी कि इसकी क्वालिटी जो है, इसकी गुणवत्ता जो है, इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, बेस्ट चीज जो है वो हमको यहां पर मिल रही है, तो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो उसको प्रमाणित करता है, उसको सर्टिफाई करता है जीआई टैग। तो भारत के अंदर जब जीआई टैग मिलता है तो देश भर में उसकी क्वालिटी जो है उसकी सर्टिफिकेशन हो जाती है। इसी तरीके से जब यूरोपियन कमीशन या यूरोपियन यूनियन जो है किसी भी प्रोडक्ट को दुनिया में जीआई टैग देता है, यानी कि अब यूरोपियन यूनियन की जो पूरी की पूरी मार्केट है वहां पर उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी, क्वालिटी जो है वो सर्टिफाई हो रही है। इस वजह से अब कांगड़ा टी के लिए जैसे उसको यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग मिलेगा, यूरोपियन मार्केट जो है वो बहुत बड़े तरीके से ओपन हो जाएंगे। क्योंकि अब उन मार्केट्स में जब कोई प्रोडक्ट खास करके चाय जब लेने जाएंगे और वो देखेंगे कि कांगड़ा टी क्यों, जिसको जीआई टैग जो है वो यूरोपियन यूनियन द्वारा दिया गया है, जो कि इस और इशारा करेगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है, ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, तो मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, जिससे अल्टीमेटली जो ग्रोवर्स हैं, जो इन चाय के बागानों को लगाते हैं या इसमें काम करते हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है भारत की ओर से 2005 में ही कांगड़ा टी को दे दिया गया था। लंबे समय से कांगड़ा टी को बेहतर बनाने का प्रयास जो है वो अलग अलग विभागों द्वारा, सरकार द्वारा किया जा रहा था, और इन्हीं एफर्ट्स का नतीजा है कि 2005 में कांगड़ा टी को भारत के अंदर जीआई टैग जो है वो मिल गया था। और अब ये एफर्ट जो है वो और ज्यादा फ्रूट बेयर करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जीआई टैग भी जो है अब इसको मिल जाएगा। दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें, जो जानकारी मौजूद है 2021-22 वित्त वर्ष में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके द्वारा कांगड़ा जो ग्रोअर्स, टी ग्रोअर्स हैं, उनको 1 लाख से ज्यादा प्लांट्स जो है वो प्रोवाइड कराए गए, जिसको कि वहां पर इन प्लांटेशंस में लगा करके अपने एरिया को, अपने जो बागान है उनको ग्रो किया जा रहा है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो काफी एक्टिवली हेल्प कर रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है इज प्रोवाइडिंग टी प्लांट्स टू द ग्रोअर्स बोथ फॉर द एग्जिस्टिंग गार्डन्स एंड द फ्रेश प्लांटेशंस। जो कृषि विभाग है हिमाचल प्रदेश का, वो कांगड़ा और आसपास के रीजन्स में जहां पर ये चाय के बागान लगाए गए हैं वहां पर लोगों को टी प्लांटेशंस के लिए पौधे जो है वो मुहैया करा रहा है। अगर आपकी एग्जिस्टिंग टी प्लांटेशन है तो उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, फ्रेश प्लांटेशन आप लगा सकते हैं। उद्देश्य यह है कि इस चाय की ज्यादा से ज्यादा पैदावार जो है वो हो सके, क्योंकि वैसे ही क्योंकि भारत के अंदर इसको जीआई टैग 2005 से मिला है तो उस वजह से काफी डिमांड है। और अब क्योंकि यूरोपियन यूनियन से जीआई टैग मिलने वाला है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। तो यहां पर इन पूरे के पूरे रीजन में अब इस कांगड़ा टी की पैदावार जो है उसको बहुत ज्यादा
सप्लाई जो है वो करनी होगी, क्योंकि डिमांड एकदम से इंक्रीज हो सकती है। दोस्तों यूरोपियन यूनियन जीआई टैग की अगर हम बात करें, जिस तरीके से भारत में जीआई टैग दिया जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को सर्टिफाई करने के लिए, उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन की क्वालिटी पॉलिसी है जिसका उद्देश्य ये है टू प्रोटेक्ट द नेम ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, टू प्रमोट देयर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिंक्ड टू देयर जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड ट्रेडिशनल नो हाउ। हर प्रोडक्ट जो है दोस्तों किसी पर्टिकुलर रीजन का, कोई एक प्रोडक्ट जो है वो फेमस होता है, उसकी क्वालिटी बेहतर होती है, और उस क्वालिटी के पीछे कारण क्या है, कारण है वो रीजन, वो ज्योग्राफिकल एरिया, वो टेक्नोलॉजिकल और ट्रेडिशनल नो हाउ जहां से उस प्रोडक्ट को बनाया जाता है। दोस्तों अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जैसे रसगुल्ला की अगर हम बात करें तो वो बंगाल का क्यों फेमस है, क्योंकि हमें मालूम है कि जिस ट्रेडिशनल नो हाउ से, जिस जानकारी से, जिस टेक्निक से बनाया जाता है वो बंगाल के अंदर सबसे उत्तम है, इस वजह से बंगाल का रसगुल्ला जो है फेमस है। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका अपना अलग एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है, एक यूनिक नेचर है, वो इस वजह से क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रीजन से आते हैं जहां पर उसको उगाने की या उसको बनाने की प्रक्रिया जो है वो सबसे अलग है। इस वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसके ओरिजिन के एरिया से जो है वो कनेक्ट की जाती है, और यही तरीका जो है वो यूरोपियन यूनियन भी अपनाता है। द प्रोडक्ट्स कैन बी ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन इफ दे हैव स्पेसिफिक लिंक टू द प्लेस वेयर दे आर मेड। इसी तरीके से अब यूरोपियन यूनियन ने जब कांगड़ा टी को ये जीआई टैग देना है, तो अब कांगड़ा में उगाई जाने वाली चाय की गुणवत्ता जो है वो प्रमाणित होगी और मार्केट में डिमांड जो है वो इसकी बढ़ेगी। यूरोपियन यूनियन का जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम है, ये सिस्टम जो है वो प्रोडक्ट्स को नामित करता है जो किसी पर्टिकुलर ओरिजिन से आते हैं, और इस वजह से उस पर्टिकुलर रीजन के से आने के कारण वो एक स्पेसिफिक क्वालिटी और एक रेपुटेशन जो है वो एंजॉय करते हैं। तो यहां पर प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो इस वजह से है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लोकेशन से, एक पर्टिकुलर एरिया से आता है। और ऐसा क्यों, इस लोकेशन पे दोस्तों अगर तो कोई एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट है तो यहां पर जो वातावरण है या एटमोस्फेरिक कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जिस वजह से इसकी क्वालिटी बेहतर है, या फिर अगर किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है तो उसको बनाने की जो टेक्निक है, जो ट्रेडिशन है, वो यहाँ पे सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इस वजह से लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है जब किसी को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया जाता है। और अब यूरोपियन यूनियन जो है वो कांगड़ा टी को ये टैग देने वाली है। दोस्तों कांगड़ा उन पहले शहरों में से एक है जहां पर ब्रिटिश सरकार ने चाइना टी को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। इनिशियल डेज ऑफ मॉडर्न टी प्लांटेशन जो है वो मिड 19th सेंचुरी में यहां पर शुरू हो गया था। जो अंग्रेजी हुकूमत थी उन्होंने यहां पर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आकर के चाय के बागान जो है वो लगाए थे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था। यहां पर उगाई गई चाय की गुणवत्ता क्वालिटी ऐसी थी कि इसको एकदम से यूरोपियन मार्केट्स में एक्सेप्ट कर लिया गया मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, और इस वजह से बहुत सारे एग्जीबिशंस में जो चाय की क्वालिटी को लेकर थे यूरोप के अंदर, जो कि 1886 टू 1895 के बीच में हुए, वहां पर बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे मेडल्स जो है वो कांगड़ा टी को मिले। इस वजह से ये कांगड़ा टी जो है वो हिस्टोरिक टाइम से ही एक फेमस वैरायटी ऑफ चाय मानी जाती है दोस्तों। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस कांगड़ा टी की डिमांड जो है वो थोड़ी थोड़ी श्रिंक हुई है। दोस्तों हमने कल ही बात करी थी नॉर्दर्न बंगाल के टी प्लांटेशंस की भी, तो वहां पर भी एक मंदी के दौर से चाय के बागान जो है वो गुजर रहे हैं। टी प्लांटेशंस जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही है। एक समय था जब कांगड़ा टी इंडस्ट्री जो है वो 5000 हेक्टेयर से भी ज्यादा भूमि पर उगाए जाते थे, और करीब 1600 परिवारों का गुजारा जो है वो इस टी प्लांटेशन से चलता था। लेकिन आज सिनेरियो बदल चुका है, बहुत कमी जो है वो आई है इन प्लांटेशंस में। करंटली ये चाय जो है ये 5900 गार्डन्स में उगाई जाती है, जो करीब 2312 हेक्टेयर्स, कहां पर ये 5000 हेक्टेयर जमीन में उगाए जाते थे, अब आधे से भी कम में चाय के बागान जो है वो मौजूद है, जो कि लगाए जाते हैं शाहपुर, पालमपुर, बैजनाथ, जोगिंदर नगर इलाके में हिमाचल के। तो दोस्तों ये वो रीजन है जो कांगड़ा टी प्लांटेशन के आसपास मौजूद है। लेकिन टी प्लांटेशन का जो एरिया है वो बहुत कम हो चुका है, लेकिन इसको अब एक मेजर बूस्ट मिल सकता है जब यूरोपियन मार्केट में चाय की डिमांड बढ़ेगी। दोस्तों जो करंट प्रोडक्शन है वो 9 लाख किलो है कांगड़ा टी की इस रीजन से, जो कि 1990s में 16 से 17 लाख किलोग्राम जो है वो होती थी। यानी कि जब प्लांटेशन का एरिया जो है वो हाफ हुआ तो अनडाउटेडली प्रोडक्शन भी जो है वो अपने आप हाफ हो जाएगा। तो जब 5000 हेक्टेयर से 2300 के करीब एरिया जो है वो पहुंचा जो अंडर प्लांटेशन है, तो उसी के कंपेरिजन में 16 से 17 लाख किलोग्राम चाय की प्रोडक्शन जो है इट हैज कम डाउन टू जस्ट 9 लाख केजीज। अब इसको बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि
वॉट वी आर होपिंग इज कि एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मार्केट जो है वो ओपन अप होने वाला है यूरोपियन यूनियन में जब ये टैग कांगड़ा टी को मिलता है। तो दोस्तों आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे ये पूरा का पूरा आर्टिकल क्या है, यूरोपियन यूनियन का ये जीआई टैग क्यों कांगड़ा टी को दिया जा रहा है और क्या लाभ इससे इन प्लांटेशन ग्रोअर्स को या वो लोग जो इसमें काम करते हैं उनको मिल सकेंगे। विस्तार से हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीएससी हो, सिविल सर्विसेज हो, बैंकिंग हो, जुडिशरी हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर आपके लिए अवेलेबल है। स्टडी आईक्यू में किसी भी कोर्स में आप एनरोल करें, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि ये कोड आपको मैसिव डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे दिलवाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।